संवाददाता रफीक मुंडा की रिपोर्ट। एक तरफ तो जहां पर्यावरणविद पेड़ों को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं सरकारें भी पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करती नजर आ रही है। पर उसके विपरीत कुल्हार से पठारी के बीच सड़क बनाने के लिए सड़क के दोनों तरफ आने वाले बड़े बड़े पुराने पेड़ों को काटने के लिए चयनित कर दिया गया है। पठारी से कुल्हार टू लेन सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए ग्राम बड़वासा के पास सड़क के दोनों ओर दर्जनों पुराने घने पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। इन पेड़ों में आम, जामुन, महुआ, नीम, पीपल, बरगद, कबीट, इमली, शीशम जैसे फलदार वृक्ष हैं। इस तरह के दर्जनों वृक्षों को काटने के लिए ठेकेदार द्वारा चिन्हित कर दिया गया है। वहीं इस विषय में ग्रामवासी पेड़ काटने के लिए सहमत नहीं है। ग्रामवासियों ने सड़क निर्माण करने के लिए इन फलदार पेड़ों को ना काटकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है। कुरवई पठारी से संवाददाता आशीष सहले की रिपोर्ट। पठारी तक जो सड़क मार्ग बनाया जा रहा है, उसमें ग्राम बड़वासा में दर्जनों वृक्ष सड़क किनारों में बरसों पुराने दर्जनों वृक्ष उनको काटने के लिए PW विभाग में चिन्हित कर दिया गया, जिससे हम सभी ग्रामवासी चिंतित हैं, पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं। वो चाहते हैं सभी लोग हम कि इनका काटा ना जाए और इसका कोई वैकल्पिक खोजा जाए, ताकि वहाँ जो सड़क है सड़क को वहाँ चौड़ा करें ना। क्या वैकल्पिक समाधान हो सकता है? समाधान ये हो सकता है, या तो उनको शिफ्टिंग की जाए। शिफ्टिंग नहीं की जाए तो वहाँ से आधा किलोमीटर में जो है वहाँ सड़क को छोड़ा जाए। गांव वालों का ये कहना है। इस बारे में इससे पहले कहीं आपने ज्ञापन नहीं दिया गया है इस विषय में।